ऐसे माहौल में जब हर तरफ से बुरी खबरें ही सुनाई दे रही हैं, कोरोना का एक भयंकर वाला काल चल रहा है, तब कुछ ऐसा जो आपके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए स्माइल लेकर आए। तो आज सुन रहा है भारत में, आज बात करेंगे ऐसी ही एक खबर। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही दे। LGBTQ एक ऐसा समुदाय जिसको लेकर हमने कई कहानियां सुनी हुई होती है और कई कहानियां हमने देखी कि लड़की के शरीर में होते हुए भी लड़के का एहसास होता था या फिर लड़की के शरीर में होते हुए भी लड़की का एहसास बना। और ऐसे लोगों को ना केवल अपने समाज में बल्कि अपने परिवार में भी भेदभाव और बेइज्जती का सामना करना पड़ता। फिर भी आज परिस्थितियां वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। आज हमारी सोच बदल गई है तो परिस्थितियां भी थोड़ी बहुत बदल गई। और इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों को लेकर आया है एक एड। ये एक गहनों के ब्रांड भीमा ज्वेलरी का एड है। इस एड के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का है जो काफी अकेलापन महसूस कर रहा है। कभी समुन्द्र के किनारे जा रहा है तो कभी अपने कमरे में अकेला बैठा। तभी उसे अपने बेड पर एक बक्सा दिखाई देता है जो गहनों का बक्सा होता है। और जब उसे खोलता है तो उसे मिलती है सोने की पायल की जोड़ी। और इसी बीच उसके पापा उसके पास आ जाते हैं और उसे प्यार भरा एहसास कराते हैं कि वो जैसा है जो भी है उनके लिए बहुत प्यारा है और बहुत ही स्पेशल है। अपनेपन का ये एहसास उसकी उदासी को खुशी में बदल देता है। इसके बाद उसकी दुनिया बदल सी जाती है। वो समुन्द्र के किनारे पायल पहनकर निकल पड़ता है और कभी बाथरूम में लिपस्टिक को थामे हुए नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके माता पिता उसकी पियर्सिंग करा रहे होते हैं यानी कि उसके कान छिदवा रहे होते हैं। धीरे धीरे वो अपने बाल भी बढ़ा लेता है और फिर दिखाया जाता है कि उसका जेंडर बदल गया है। और इस एड के आखिर में दिखाया जाता है कि वो लड़की दुल्हन बन रही होती है, उसके माता पिता उसके साथ है। उसके चेहरे की खुशी देखकर दोस्तों आपको भी ऐसा एहसास होगा जैसे तमाम जद्दोजहद के बाद आपने भी कोई खुशी पाई हो। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस एड में कोई भी डायलॉग नहीं है, नॉट अ सिंगल डायलॉग। बस सीन बदलते जाते हैं और हमारे सामने पूरी कहानी आती रहती है। और इस तरह ये एड हमें एक बहुत ही थॉटफुल मैसेज के साथ छोड़ जाता है। वो मैसेज ये है कि हमें अपनी संवेदनशीलता को उनके प्रति बढ़ाना चाहिए। उन्हें भी उतना ही हक है जितना कि हमें है इस समाज में जीने का और सम्मान पाने का। भीमा ज्वेलरी के इस एड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सकते और पता नहीं कितने चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए रिव्यू में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।